आप देख रहे हैं STS न्यूज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है STS न्यूज में। मैं हूं अलीशा चंद्राकर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर। महिला की मौत की जांच के लिए DSG लाइफ केयर फाउंडेशन द्वारा भिवंडी DCP को पत्र दिया गया। राजेश सोमचंद हरिया, उनकी पत्नी पूजा राजेश हरिया 5/1/2022 को इनकी मौत हो गई, जिसकी जांच के लिए भिवंडी DCP को एक पत्र दिया गया। 5/1/2022 को इनकी मौत भी नारपली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई और जांच अब तक शुरू है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बताएंगे क्या हो गया, आपकी जो घटना है, पूरा मामला क्या है आपका? मेरा नाम राजेश सोमचंद हरिया है। मेरी वाइफ जिसका मौत 5 जनवरी 2022 को हुई, जिसका पूरा मामला नारपोली पुलिस स्टेशन में दर्ज है। और मेरी वाइफ की मौत की वजह जो मेरा पड़ोसी है दर्शित नेमचंद नगरिया वो है, उस बात की शिकायत मैंने नारपोली में दी, लेकिन नारपोली पुलिस स्टेशन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है हमें। हम आज एक साल से ऊपर हो गया, आज तारीख है 10 मई 2023 और 5 जनवरी 2022 से हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग ने इस बात की शिकायत, मैंने ये मामले की शिकायत DSG लाइफ केयर फाउंडेशन, क्योंकि नारपोली पुलिस स्टेशन से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो DSG लाइफ केयर फाउंडेशन ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने पत्र व्यवहार किया DCP ऑफिस में पत्र दिया, मंत्रालय में पत्र दिया और CP में पत्र दिया है, फिर उसके बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग आज एक साल से इधर उधर भटक रहे हैं और नारपोली पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हमें आगे टाइम दिया जाता है, 10 दिन के बाद करेंगे। और वहाँ से मेरे जो डॉक्यूमेंट्स, मेरी वाइफ का जो PM रिपोर्ट है वो नहीं मिला है, मेरी वाइफ का मोबाइल जो जमा किया था वो भी अभी तक नहीं दे रहे, और CDR रिपोर्ट भी नहीं दिया है उन्होंने। नारपोली वाले आज हमें खाली सिर्फ आ जाओ कल आओ करके यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे हैं। और DCP साहब के पास भी हमने वापस फिर से एक लेटर दिया है 3 अप्रैल 2023 को। उन्होंने पर्सनली फ़ोन करके नारपोली में इन्फॉर्म किया कि इनके केस की सुनवाई हो, उसके बावजूद भी हमारे केस की कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मैं आप इस वीडियो के जरिए ये गुजारिश करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बताएंगे ये क्या पूरा मामला है? राजेश सोमचंद हरिया, इसकी वाइफ ने घर में सुसाइड किया। सुसाइड की वजह इनका कहना है कि दर्शित नेमचंद नगरिया ये लड़का है, ये हमारे फाउंडेशन में आया एक साल पहले। इन्होंने हमें एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देने बाद एक साल से हम लोग एक केस को फॉलोअप कर रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, चाहे राजेश हरिया गुनहगार है चाहे दर्शित नेमचंद नगर गुनहगार है, लेकिन ये मौत की वजह पता करे। पता करते करते हमने CP DCP फिर मंत्रालय सब जगह अर्जी दी हमारे महिला मंडल के थ्रू, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने 3/4/2023 को अभी DCP साहब से मिल के उनको लेटर दिया कि इसकी वजह पता किए जाए, तो DCP साहब ने सीनियर साहब को फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला कि केस की छानबीन करो और उसका जो सही है उसके ऊपर कार्रवाई करो। हमने फिर राजेश हरिया को चौकी भेजा, फिर उन्होंने पता किया कि उसका वाइफ का मोबाइल वहाँ जमा है, उसका CDR रिपोर्ट नहीं है, उसका PM रिपोर्ट नहीं है, और जो आदमी केस में इन्वॉल्व है उसका लोकेशन अभी तक ट्रैक नहीं हुआ है। तो हमें जब भी ये जाए तो उसको टाइम ही मिलता है, आ जाओ कल आओ 10-15 दिन आओ, ये छुट्टी पे वो छुट्टी पे। अभी हमको पूरा यकीन हो गया है कि ये केस में टाल मोटल हो रहा है। ये केस में टाल मोटल करने की वजह ही समझ में आया, पुलिस अधिकारी ये केस को आगे पीछे क्यों कर रही है। जो गुनहगार है उसको सज़ा दिलाना ही के लिए, इंसाफ के लिए हम लोग मांग किए। अगर ये 23-24 दिन में अगर नारपोली पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब या इसमें जो भी अधिकारी इन्वॉल्व है अगर ये केस को छानबीन करके सही रिजल्ट तक नहीं पहुँचती तो 24 या 25 तारीख से हम लोग बेमुदत धरना आंदोलन DSG लाइफ केयर फाउंडेशन करेगी। क्योंकि इसके जो 3 अनाथ बच्चे हुए उनका एक ही सवाल है कि मेरी माँ ने फांसी क्यों ली, वो अनाथ बच्चे के लिए हम लोग
धरना आंदोलन देंगे 24 या 25 तारीख से करेंगे, और जब तक हमको न्याय नहीं मिलता, ये बच्चों को न्याय नहीं मिलता, तब तक हम लोग वहीं बैठे रहेंगे DCP ऑफिस के सामने। हमारा एक ही मकसद है, हमारा मोबाइल का ये मकसद नहीं कि वो मोबाइल हमको मांगता है, वो मोबाइल में एविडेंस है। इसका कहना है कि लास्ट कॉल उसी ने किया था, उसके रिकॉर्डिंग उसी में है, उससे वो बात करती थी दर्शित नेमचंद नगरिया से, और उसका पूरा पूरा हमें ये समझ में आ रहा है कि वो लड़का फेसबुक के माध्यम से औरतों को जाल में फंसाता है और उनसे पैसा ऐड के उन्हें छोड़ देता है। एक इसकी औरत का कांड हुआ, अभी फिर सेकंड कांड उसने गोपाल नगर से एक औरत को लेके भागा, उसकी शांति नगर में केस दर्ज है। तो हमारा पूरा ये हो गया कि ये आदमी गुनहगार है, अगर गुनहगार है तो पुलिस उसकी छानबीन करे और जो गुनहगार है उसको सज़ा दिला, चाहे वो राजेश हरिया क्यों ना हो, चाहे दर्शित नेमचंद नगर या क्यों ना हो। लेकिन इसके बच्चों के लिए अगर 24-25 तारीख तक इसका ये केस का एंड नहीं होता है तो हम लोग 24-25 तारीख से बेमुदत धरना आंदोलन DHG लाइफ केयर फाउंडेशन DCP ऑफिस के सामने करेंगे। ऐसे ही नई खबरों के लिए जुड़े रहे HTS न्यूज के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद।